इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैं दावत देता हूँ नवीद अहमद को, जिनकी उर्दू मजाहिया तकरीर का मौजू है सुना है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है। खवातीनों हजरात, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहूंगा GCU डिबेटिंग सोसाइटी को, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान डिबेटिंग सर्किट को हमेशा बेहतरीन स्पीकर्स दिए हैं। ऐसे स्पीकर्स जो अपनी आवाज से बुखारी ऑडिटोरियम पर सहर तारी करते रहे। आज भी आपके सामने ऐसे ही दो बेहतरीन स्पीकर्स मौजूद हैं, एक इस दीवार पर लगा हुआ है, दूसरा उस दीवार पर लगा हुआ है। सदर आले वकार, पाकिस्तान में तो हर सियासतदान का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सियासतदान बनूं ताकि इस मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर सकूं। इसलिए मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। मैंने फिर सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। फिर मुझे एक बाबा जी ने कहा कि सियासत के मैदान में सिर्फ वो नहीं फिसलता जिसने बूट पहने हुए हो। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो बूट नहीं है, मैं क्या करूं। कहने लगे आपने घबराना नहीं है, तुम बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा बाबा जी उससे क्या होगा। कहने लगे बेटा उससे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। मैंने कहा बाबा जी क्या मतलब, वजाहत करें। कहने लगे बेटा वजाहत मैं कर दूंगा मगर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और हो सकता है डिस्क्वालीफाई होने के बाद लापता भी हो जाओ, क्योंकि वो नंबर वन है। सदर अली वकार कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों बाद मैं लापता हो गया और उन्होंने मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया। जेल में मेरी मुलाकात एक निहायत शरीफ इंसान से हुई। वो बहुत दरवेश इंसान थे, खाना खाते वक्त एक निवाला खाते एक दीवार को लगाते, फिर एक निवाला खाते एक दीवार को लगाते। मैंने उनसे पूछा ये आप क्या कर रहे हैं। कहने लगे खाता हूं लगाता भी तो हूं। मैंने कहा बाऊजी सुना है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, क्या आप इसी वजह से जेल में आए। कहने लगे नहीं बेटा ये कहानी है 1990 की, जब मैं छुट्टियां गुजारने खलाई जहाज में बैठकर खला में चला गया। वहां पर मुझे खूबसूरत एलियन लड़की नजर आई, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसकी खास बात यह थी कि वो हील के बजाय बूट पहना करती और मैं पॉलिश किया करता। उसके पास गायबी ताकतें थी, वो बंदे गायब कर देती थी। वो बंदे ऐसे गायब करती थी जैसे GCU वालों ने कफील राणा को गायब किया। फिर मेरी सालगिरह आई और सालगिरह पे उसने मुझे कुर्सी दी। 2.5 साल तक मैं कुर्सी के साथ खेलता रहा, फिर उसने कुर्सी वापस ले ली। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि 1999 आ गया। इस मर्तबा उसकी सालगिरह आई और तोहफे में मैंने उसे बिल्ला दिया जो डरता वरता किसी से नहीं था। फिर मैंने उसे कहा चलो आओ कोई धंधा शुरू करते हैं। कहने लगे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक लड़की गाड़ी में बैठी हो तो उसे क्या कहेंगे। मैंने कहा गर्ल कार। कहने लगी नहीं कार गर्ल। मैं कह नहीं गर्ल कार। फिर इसी कारगर्ल के इशू पे हमारी लड़ाई होगी। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन मैंने ये पहली मर्तबा सोचा था कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो 5 साल तक शुजात के साथ साइकिल चलाती रही। और रहमान का फजल तो उसके साथ था ही। और दूसरी तरफ मुझे एक अरबी शेख मिल गया जो मुझे अपने साथ अल्लाह की सरजमीन पर ले गया। फिर वहां जाके मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि शेखों की दो इकसाम है और इनमें से सबसे अच्छी है मिल्क शेख। फिर वहां पर मैंने खजूर की
रेडी लगाई जिस पर सुबह में शाम को मेरा बेटा बैठा करता और खजूर के कारोबार में हमें दिन दुगनी और रात चुगनी 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 तरक्की हुई। फिर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। खजूर का कारोबार इतना बड़ा कि खजूर को जखीरा करने के लिए हमें लंदन में फ्लैट खरीदना पड़े। कतर का शहजादा तो खत लिखकर खजूर मंगाया करता। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमसे कई मुआहदे किए कैलिबरी में। फिर मैं सारा धंधा छोड़कर घर वापस आ गया क्योंकि अब वो रहीम और मेरी तरह शरीफ हो चुकी थी। फिर मैं उसे मिलने गया और मैंने उसे कहा, थैंक यू रहीम शरीफ। फिर एक दिन हम दोनों वोट डालने पोलिंग स्टेशन गए। वो अपना वोट डाल रही थी कि वोट जमीन पर गिर गया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे कहा, वोट को इज्जत दो। इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे कमर तोड़ जवाब दिया। मैंने उसे कहा, फिर उसने मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया और उसे मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और के पास चली गई। मैंने कहा, बाऊजी आप उससे इतनी मोहब्बत करते थे उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देते? कहने लगे, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देता, फिर मेरे बच्चों का क्या बनता, क्योंकि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देता तो रोटी कहां से खाता? मैंने कहा, देखें रोटी का वादा अल्लाह ने किया है और सालन आप लंगर खाने से ले लेते। फिर कहने लगे, मुझे छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि मैं मोटा था और अब वो हैंडसम के पास गई थी। फिर मैं हैंडसम से मिलने बनीगाला मैरिज ब्यूरो गया क्योंकि उनका शादियों का धंधा था। मैंने उनसे पूछा कि एलियन लड़की को आपसे मोहब्बत कैसे हुई? कहने लगे, ये मई के महीने की बात है जब मैं तकरीर करते हुए स्टेज से गिरा। जब एलियन लड़की को यह मालूम हुआ कि मैं गिरा हुआ हूं तो फिर उसने मुझे कुर्सी दी, टायरों वाली जो रिमोट से चलती थी, मगर पता नहीं क्यों रिमोट नहीं दिया। फिर वो एक साल तक कुर्सी चलाती रही कि रिमोट की बैटरी खत्म हो गई। उसने चार्ज करना चाहा, प्लग दूर था, इसलिए फिर मैंने उसे एक्सटेंशन दी। तीन प्लगों वाली। क्योंकि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप सर्विस बढ़ा दीजिए, सर्विस बढ़ा दी गई। सदर आली वकार, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलियन लड़की रिमोट वाली कुर्सी चलाती है या फिर डीजल वाली। मगर मैं इस तमाम कहानी के बाद अब सियासतदान नहीं बनना चाहता क्योंकि हमारे हुक्मरानी सियासतदानों की नहीं बल्कि एलियन लड़की की है। वो जब चाहे जिस पे चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर उसे कहानी से बाहर कर दे। और अगर हमें ये मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करना है तो हमें अपना जमहूरी निज़ाम बेहतर बनाना होगा क्योंकि इस निज़ाम से हमें अक्सर बेवकूफ़ सदर मिलता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मिसाल आपके सामने है। अमरीकी सदर की। शुक्रिया। इस साल बेहतरीन उर्दू मुकर्रर का एजाज हासिल किया आईटी यूनिवर्सिटी लाहौर से नवीद अहमद ने। उनतालीसवें कुल पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल बायलिंगुअल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट की टीम ट्रॉफी
हासिल की इस्तीफा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर।